आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक शॉर्टकट की के ज़रिए ओपन कर सके। ये करने के लिए हमें विंडोज़ जो है, हमारे विंडोज़ पर जो स्टार्ट मेन्यू है उस पर आना पड़ेगा और जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की के ज़रिए ओपन करना चाहते हैं उसका नेम सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम एक्सेल को शॉर्टकट की के जरिए ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्सेल आ गया है, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फिर जब लोकेशन में एक्सेल आ गया है, जो एक्सेल के जो लोकेशन है उसमें हम आ गए हैं, तो फिर एक्सेल के ऊपर और एक राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की है और इसके ठीक राइट साइड में जो वैल्यू डाला है वो वैल्यू है नान। इस नान को हमें चेंज करना है, तो ये चेंज करने के लिए इस टैब में आते हैं और फिर कंट्रोल प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आ चुका है, मतलब जो भी शॉर्टकट की होगा उसमें कंट्रोल और ऑल्ट तो मैंडेटरी है। इसके बाद आप जो भी चाहें वो लेटर डाल सकते हैं और कोई अप और डाउन की जो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर डी डाल देते हैं। डी डालने के बाद, शॉर्टकट की डालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। अप्लाई के बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाह रहा है, इसमें ओके जो है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए अभी जो कंट्रोल ऑल्ट और डी है वो हम प्रेस करेंगे और देखिए एक्सेल अपने आप ही ओपन हो गया। तो कैसा लगा ये ट्रिक? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।